हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके कार लालसोट में एक बार फिर से। तो देखो, ये नया मॉडल इको है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल बॉडी है दोस्तों। तो अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बरसात का टाइम है। देखो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखो पहली बात तो है, स्टार्टिंग भी लेट है और गाड़ी पे और गैस पे है। ये देखो मतलब स्टार्टिंग भी अजीब हो गई। अब ये गाड़ी देखो, अब इसके एक्सेलेटर में देखना आपको मैं बताता हूँ। पेवर गैस पे इसमें पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल मोटर जल चुकी है। देखो ये देखो, ये बंद हो रही है और फटाके फोड़ रही है भयंकर तरीके से। अब इसका देखो एयर क्लीनर के इधर से सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ बढ़िया है। मतलब एयर क्लीनर को भी इन्होंने देखो अच्छे से बांध रखा है, यानी टाइट कर रखा है। सबसे बड़ी परेशानी तो इसमें ज़्यादातर एयर से आती है, लेकिन जब कोयल से आती है तो वो भी मैं बता दूँ। देखो इसकी कोयल की सर्विस कैसे करनी है, जो आप खुद घर पर कर सकते हो। तो चलो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। दोस्तों बारिश आने की वजह से काम रोक दिया गया है इको का। अभी रुक जाओ, बारिश बंद होने दो, फिर करेंगे। और ये बरसात में दोस्तों आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग खुद अपनी गाड़ी की सर्विस घर पर करो और गाड़ी का फिर परफॉर्म देखना, आपकी गाड़ी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ना गैस पर ना पेट्रोल पर। चलो पहले बारिश में बना देते। तो दोस्तों ये देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये बेटा उधर की सीट लगा लो, वहाँ पे बैठ जा, वीडियो बनाना। तो दिख रहा है अच्छे से बैटरी वगैरह, उंगली हटाई, उंगली नहीं आनी चाहिए, दिख रहा है उंगली नहीं आ रही ना कुछ भी। हाँ बस है ना, यूँ ही रखना। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या होता है, देखो ये बहुत बढ़िया काम है, आप लोग करते रहेंगे तो। देखो सबसे पहले बैटरी खोलनी है, यानी तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को नुकसान से बचने के लिए है भाई। आप लोग खुद घर पर ये चीज़ कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल सकते हो। देखो पहले तो हमने, चलो इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, वो बैटरी खोल लेनी है दोस्तों। ये बैटरी खोल ली है ना, ठीक। अब फिर उसके बाद में करना क्या है दोस्तों, देखो ये वायर दिख रहा है ना बेटा, ये वायर निकाल दिया है ना। अब इसको यहाँ कर दो, फिर उसके बाद में इसका ये सॉकेट है ना पीछे वाला, ये इसमें एक लॉक आती है ऊपर, उसको दबाओ और इसको निकाल दो। मतलब ये सॉकेट निकालना है, देखो ये वाला, ये सॉकेट निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कोयलों को खोलनी है, 10 नंबर पाना लगेगा बस, सिंपल सा। ये देखो है ना, और ये हम खोल रहे हैं, एक मिनट, वीडियो आड़ी हो चुकी है। अबे खड़ा मत कर भाई, मोबाइल को यूं ही रख तू, वीडियो आड़ी ही बनाओ, वीडियो खड़ी हो जाएगी, व्यू नहीं आएगा पूरा। तो ये देखो दोस्तों, ये दो बोल्ट खोले और देखो काफ़ी इजी है, ऐसा कोई हार्डवर्क नहीं है, ना ही कोई इसमें सेटिंग वगैरह आउट होती है जो आपको डरने की बात है। देखो ये निकाल दिया, अब इस कोयल को ये निकाल ली। तो सबसे पहले तो देखो आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं दोस्तों। देखो ये निकाल, अब देखो इसके यहाँ पे चारों तरफ वाइट वाइट हो रहा, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट कर रही है अंदर। ये देखो इसमें पानी जा चुका है और ये शॉर्ट कर रही है। अभी अंदर से भी दिखाऊंगा, रुको इनकी सर्विस कैसे करनी, प्रॉपर दिखाऊंगा वीडियो आप लोगों को। तो चलो रुको खोल लेता हूँ मैं, दूसरी भी खोल लेता हूँ। अब देखो, अब दूसरी का भी सिंपल सा है, ये वायर को निकालो, थोड़ा टाइट हो गया पुराना होकर, तो थोड़ा हिलाना पड़ता है, मैं मूव करते रहो ये निकल जाएगा इजुअली। देखो अब इसका ये वाला वायर निकाला, ये भी शॉर्ट हो रहा है हल्का हल्का, यानी ये वाइट आ जाएगा इसके मुँह पर, अगर ये शॉर्ट हो रहा होगा तो यहाँ पर मुँह पर वाइटनेस आ जाएगी। तो चलो इसे भी छोड़ो, ये भी, हाँ अब ये वाला निकालते हैं चौथा नंबर का, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही ना, ये ठीक है, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा है ये वाला वायर, तो ये सॉकेट निकाला, देखो ये सॉकेट निकाला, फिर वापस यही, ये दोनों 10 नंबर बोर्ड खोलो और इसे खोल लेते हैं। तो चलो वीडियो लंबी ना होए इसलिए मैं ये खोल लेता हूँ। देखो सिंपल सा है, और दोनों कोयलों में देखो ऐसी बात है, ये कोयल चाहे इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे कोयल आप किधर भी लगा दो, काफ़ी इजी प्रोसेस है। मैं खोल लेता हूँ, फिर दुकान में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। देखो चलो खोल ही ली, 2-5 मिनट भी नहीं लगती। देखो इसमें भी, अब इसमें नहीं दिख रहा वाइटनेस कुछ भी, इसका मतलब वो एक, देखो आपको दिखा देता हूँ फ़र्क भी, देखो इसमें कुछ भी वाइट नहीं है और इसमें देखो वाइटनेस आ गई, इसका मतलब ये शॉर्ट हो रही है। अब इससे क्या, इसमें मिसफायर होती है इसलिए फटाका फोड़ती है गाड़ी। तो चलो दुकान में जाता हूँ, इनकी सर्विस कैसे करते हो वो भी आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देखो इस तरीके से आप कॉइल खोल लो आराम से। कॉइल खोलने के बाद में इसे यहाँ से पकड़ो, पहले हल्का सा मूव करो, घुमाओ, है ना, मतलब इसे यूं घुमाना है। घुमाने के बाद में यूं तिरछा करके आप उपाड़ दो। अब आपको अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ, ये देखो स्प्रिंग की, ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर इसमें कार्बन आ चुका है, देखो हल्का हल्का जंग आ रहा है, देखो दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखो यहाँ पर कार्बन आ गया। और इसके अंदर की कंडीशन भी दिखाऊँ देखो आपको, ये देखो, ये देखो अंदर जंग आ चुका है इसमें, देखो इसके स्क्रू पर देखो। अब ये क्या है, शॉर्ट करेगी मतलब करंट को। तो ये देखो दूसरी वाली भी खोल रहा हूँ मैं, अब ये देखो दूसरी कंडीशन, ये देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर से, ये देखो इनमें जंग आ चुके हैं, ये देखो। अब इनकी सर्विस करनी है अपन को, देखो एक तो ये स्प्रिंग, ये देखो, और ये देखो यहाँ से शॉर्ट, ये देखो इनके शॉर्ट हो रहे हैं दोनों, है ना। तो अब इन चीज़ों की सर्विस कैसे करनी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी मैं मंगवा लेता हूँ। या तो आप पेट्रोल से कर सकते हो, मैं मेरे यहाँ पर थिनर से करता हूँ, तो मैं मंगवा लेता हूँ एक सेकंड। तो दोस्तों देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना कोयल, इसके अंदर आपको करना क्या है, यूं दिख रही ना कोयल, इसमें एक ये डालना है और यूं इसमें खोलना है, इसमें एक स्क्रू निकलेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो ये निकल गया, ये रहा स्क्रू। अब इस पर देखो चारों तरफ जंग लगी हुई है, ये देखो अपन को सबसे पहले करना क्या है, इसकी जंग को कोई भी आप सैंड पेपर पे, रेक माल पे या जमीन पे रिगड़ के उन्हें साफ करना है। देखो ये चमकने लग गया, ये देखो पूरे को अच्छे से क्लीन करना है, मतलब चमका देना है, पूरी जंग हटा देनी है। ये देखो इस तरह मैं साफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो सैंड पेपर भी ले सकते हैं। ये देखो ये हो गया क्लीन, है ना। इसी तरीके से दोनों में से निकालना है, जैसे एक का ही मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी, एक आपको दिखाने के लिए, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है दोस्तों। ये देखो अब ये दोनों स्क्रू चमका दिए, अब ये से क्या, जैसे मैंने थिनर ले रखा है उस तरीके से आपको पेट्रोल लेना और इसमें यूँ डालना है, ये देखो यूँ डालना है और इसकी सर्विस करनी है अच्छे से, अच्छे से इसमें जो भी जंग कार्बन जो भी हो ना वो आपको कोई भी या तो पानी लेकर या पेच कर घुमा घुमा कर अच्छे से निकाल देना है। ये देखो जैसे देखो मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से निकाल देनी, ये देखो अब आपको दिखाता हूँ, रुको देखो रिजल्ट भी दिखाता हूँ। वैसे तो पेट्रोल डालते ही निकल जाएगी जो भी गंदगी होगी, ये देखो दोनों तीनों तरफ से अच्छे से इसको वॉश कर दिया। अब देखो वॉश करने के बाद में कंडीशन देखो आप, ये देखो ये चमक गया अंदर से, है ना, इस तरीके से चांदी की तरह चमकानी है अंदर से, कोई भी कार्बन नहीं रहना चाहिए। ये देखो दोनों को इसमें हल्का सा है, अभी और सर्विस होएगी इसकी, इस तरीके से चमकाना है बस। अब इनको धो दिया, फिर उसके बाद में ये दोनों पाइपों को धोना है, क्योंकि इनमें क्या जो भी पानी की सीम होगी ना वो सारी निकल जाएगी, इस तरीके से पाइप धो सकते हैं। देखो हल्का हल्का धोकर तुरंत सुखा देना है ताकि इनका पानी निकल जाए, खड़े कर देना ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और अगर ये पाइप आपका हार्ड हो रहे हैं, जैसे ये नरम है तो ये ठीक है, अगर ये हार्ड हो चुका है तो ये चेंज करना है, तुरंत रिप्लेस भी करना है। फिर बारी आती है इन स्प्रिंगों की, देखो इनमें जो जंग लग रहा है ना इसको अपन को या तो सैंड पेपर या कोई भी जमीन पर रिगड़ कर पहले साफ करना है अच्छे से, मतलब पूरा हटाना है जंग। ये देखो दोनों तरफ से मतलब अच्छे से यूँ करना है इनको क्लीन, ये देखो। तो उसके बाद में इनको पेट्रोल से भी धोना है ताकि और अच्छे से क्लीन हो जाए, ये देखो पेट्रोल डालते क्लीन हो जाता है वैसे तो, जो भी कार्बन होता है ना वो, ये देखो और ये हो गए क्लीन। अब ये जो स्क्रू अपन ने खोले थे ना, देखो रुको दिखाना इसमें, ये देखो ये स्क्रू को बिल्कुल चमका दिया है ना, अच्छे से धो दिया है। अब इनको इसमें लगा देना है और वापस कस देना है, मतलब जैसे खोला वैसे ही कस देना है बस। ये देखो ये आ गया कसा, ये वाला भी आ गया। ये देखो दोनों स्क्रू अब अच्छे से लग चुके हैं, तो अब इनको लगाने की बारी है। तो लगाने की बारी कैसे है दोस्तों, देखो
पहले तो इनमें से ये पेट्रोल वगैरह अच्छे से मुंह दे करके सुखाना है अपने को। ये देखो ना, फिर करना क्या है दोस्तों, ये जो लास्ट का हिस्सा है ना स्प्रिंग का, इसको हल्का हल्का सा अपन को बधा देना है ताकि इस पर दाब और पड़ने लग जाए, एक तो प्लग पर भी और इस पर दोनों साइड से हल्का हल्का सा। ये देखो हल्का हल्का सा मैंने इसको बधा दिया है ताकि उन पर दोनों पर अच्छे से अड़ने लग जाए। अब करना क्या है इसको, इसमें जैसे देखिए ये मैंने ये घुसा दिया है ना, घुसाने के बाद में ये इसमें लिया है ना और इसको इसमें घुसाया और ये घुसाने के बाद में यूँ दबा दिया। ये देखो ये हो गया अपनी कोयल दोबारा तैयार। अब ये वाली है तो इसका भी यही करना है, हल्की सी स्प्रिंग बता देनी है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो अब सिंपल सा है, ये इसमें डाला, ये पहुँच गया वहाँ तक आराम से। अब इसमें यूँ घुसाया ताकि इस पर क्या थोड़ी दाब पड़ जाएगी ना तो जल्दी से कार्बन नहीं आएगा। ये हो गया परमानेंट, अब ये कोयल भी हो चुकी है सर्विस, अभी से फिट करते हैं, फिर गाड़ी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। वीडियो रोक दो, अच्छे से अंदर से क्लीन कर दिया और चलो अभी इन्हें लगाते हैं। देखो पेट्रोल से ऊपर से क्लीन करने पे देखो ये निशान रह जाते हैं, ध्यान रखना आप पेट्रोल से धोते हैं जब अच्छे से, वो नहीं हो पाता क्योंकि सूख जाए पेट्रोल तो निशान छोड़ देता है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ये लगाओ उधर वो लगाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई सी भी कोयल को आप चाहो जिधर घुसा सकते हो। ये देखो जैसे मैंने इसको यहाँ घुसा दी और इसको यूँ पलट कर यहाँ घुसा दी, ये देखो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सी भी कोयल कहीं भी लग सकती है। और ये वायर भी दिखा देता हूँ, देखो ये बड़ा वाला वायर है वो इसमें घुसेगा और इसमें कनेक्ट होएगा, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से क्योंकि अभी लड़का नहीं है वीडियो बनाने वाला। ये छोटा वायर है, पहले इसमें घुसेगा फिर इसमें घुसेगा, इस तरीके से फिट होएंगी और कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैं इसे कम्प्लीट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो अब लगा दिए कोयल, ये वायर इसमें कनेक्ट कर दिया, ये वायर इसमें कनेक्ट कर दिया और ये चारों वायर का आपको बता ही दिया। इस तरीके से आप सर्विस कर सकते हो दोस्तों। अब आपके क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे आपको बहुत मोटा पैसा चार्ज कर लिया जाता है। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है गाड़ी ओवर हीट हो जाती है फैन चलने की वजह से या पानी कम की वजह से, और आपकी गाड़ी फिर उसके बाद में आप जैसे मान ली पानी डाल लेते हैं रोक कर ठंडी कर लेते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद में मिसिंग करने लग जाती है, मतलब पिकअप डाउन कर देती है। तो वो पोजीशन में क्या होता है, कई बार आपको यूँ बोलते हैं मैकेनिक भैया गरमाई थी गाड़ी, आप बोलते हैं हाँ एक बार गरमाई थी, तो क्या बोलता है भैया इंजन खुलेगा फिर हेड खुलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हीट खाने की वजह से ये कोयल भी शॉर्ट हो जाती है और इसके प्लग भी शॉर्ट हो जाते हैं या फिर ये वायर शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हीट होती है ना, जब ओवर हीट होती है उसकी वजह से ये शॉर्ट होने की वजह से एक सिलेंडर काम करना बंद कर देता है जिससे पिकअप प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती, इन चीज़ों के बेस पर आपसे मोटा पैसा चार्ज किया जाता है। अगर आप इसकी सर्विस टाइम टू टाइम खुद ही करते रहेंगे ना घर पर, तो मैं बोल रहा हूँ गाड़ी का परफॉर्म हमेशा एक बिल्कुल एक जैसा बना रहेगा, यानी पिकअप वगैरह सब बिल्कुल एक जैसा बना रहेगा। तो ये जो मैंने बताया आप ये आप खुद कर सकते हो दोस्तों, आप खुद करोगे ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो अभी करते हैं इसकी बैटरी फिट, फिर इसको आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों गाड़ी कंप्लीट कर दी है, अब आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो अब ये देखो अब इंजन की आवाज़ सुनो दोस्तों, देखो पहले इंजन के एक्सीलेटर देते एक वाइब्रेट आता था, अब देखो अब बिल्कुल भी फटाके नहीं है गाड़ी में। ये देखो इस तरीके से दोस्तों आप लोग खुद है ना, यानी कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं और आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल पे हो चाहे गैस पर हो, ऐसा लग रहा है पिकअप डाउन है या मिसिंग कर रही है चलने में या स्टार्टिंग में काफी लेट हो गई, ऐसी जो प्रॉब्लम आती है आपके साथ, तो आपको करना क्या है सबसे पहले उसकी सर्विस करनी है आपको, वो जो दो कोयल है ना उनकी सर्विस करनी है या फिर आपको इसमें स्प्रे मारनी है थोटर बॉडी में। ये चीज़ आपको करके देखनी, जैसे मान लीजिए ये सेंसर है तो इसको यहाँ से खोल के इसको अच्छे से क्लीन करना है, मतलब कोई भी पेट्रोल वगैरह इससे, इन चीज़ों से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम यानी इतनी दूर हो जाएगी। अब देखो पहले ये कस्टमर का ये कहना है कि जरा सी एक्सीलेटर देते तो फटाखा फोड़ रही थी और प्लस ये चली नहीं रही थी, यानी पिकअप बिल्कुल डाउन था क्योंकि बरसात आ गई थी इसलिए काम रोक दिया था, और दोबारा भी आ चुकी है बरसात, ये देखो धीरे धीरे चालू हो रही है। तो अब हम इसकी आपको टेस्ट ड्राइव लेकर दिखा देता हूँ डायरेक्ट। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये काम आप खुद करो, आपके पैसे बचेंगे। मैं कह रहा हूँ आपकी गाड़ी में कभी भी ऐसा हो ना, गाड़ी चढ़ाई पर चलने में प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले उसकी सर्विस कर लो, मैकेनिक तो आपको जैसे जो भी बताएगा,
अगर आप सबसे पहले उसके घर पर ही इस तरीके से सर्विस कर लोगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी प्यारा मिलेगा। और इस ये चीज़ सर्विस करने से आपका देखो माइलेज बढ़ेगा, पिकअप बढ़ेगा, गाड़ी का परफॉर्म बढ़ेगा। ये चीज़ और बता दूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैकेनिक आपको बताते नहीं है और मोटा चार्ज कर लेते हैं इनके पीछे ही। तो चलो अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे ले आए हैं और गाड़ी इतना प्यारा परफॉर्म कर रही है। देखो अब आप हल्का से एक्सीलेटर दिया और कोई फटाका नहीं। ये देखो पहले कस्टमर यू बोल रहे थे, मैं जैसे एकदम एक्सीलेटर देता था ना तो गाड़ी में बहुत तेज फटाका फोड़ती थी। ये देखो अब देखो मैंने स्लो भी की और एकदम एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ। ये देखो खूब अच्छे से पिकअप। ये देखो क्या बेहतरीन पिकअप आ रहा है। ये देखो यानी 1% भी फटाके की जो प्रॉब्लम थी ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब जीरो हो चुकी है। देखो अब ये देखो यानी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी, क्या बताऊं दोस्तों, कस्टमर का दिल खुश हो जाएगा। देखो कस्टमर के पास भी चलते हैं, वीडियो बनाएंगे वहां पर भी। तो आप लोग दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या अभी के टाइम देखो माहौल बहुत बुरा है। आप लोगों का 100 रुपए के काम के मान के चलो बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया जाते हैं कई बार। यानी देखो जो फ्रॉड का काम करते हैं, जो लेजेंड काम करते हैं मैकेनिक में, उनकी तो नहीं बोलता, लेकिन अभी के टाइम मेरे पास कंप्लेंट इतनी ज्यादा है, मेरे को लेजेंड तो बहुत कम नजर आते हैं। देखो सब सिर्फ मोटा पैसा छापने में बैठे हुए हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो डालता हूँ, तो वीडियो का फायदा उठाए और बचे रहे दोस्तों। तो चलो चलते हैं अभी। तो ये हमारे कस्टमर है भाई, अब एक बार चला देख रहा हूँ, फिर बताना आप क्या है क्या नहीं है। चला देख रहा हूँ अच्छे से, खूब निका यानी कि खूब दबा के चलाओ, धीरे चलाओ, हर तरीके से चेक करो, है ना। तो देखो गाड़ी आ रही है दूर से, आने दो, वीडियो लंबी होती जाएगी नहीं तो। अब कस्टमर से पूछवाता हूँ, देखो दोस्तों। हाँ एक नंबर, मजा आ गया ना, है ना। अब ये चीज बता रहा हूँ मैं, लेके आया जब क्या पोजीशन थी, लेके आया जब तो ये पोजीशन थी कि बहुत ज्यादा फटाके बोल रही थी, है ना। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, बरसात का टाइम है, अगर दोबारा एसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो खुद ही खोल लेना, खुद ही साफ कर लेना, समझ गया। दिखाई दिया मैंने और वीडियो डाल दी दूंगा, तो वीडियो देख देख के कर लेना। अब दोस्तों देखो ये मेरे लोकल कस्टमर है, लेकिन मैंने लोकल में किसी को नहीं बता रखा कि मैं यूट्यूब पर ये काम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब, है ना, यानी कि सब कुछ ना कुछ यानी इनके साथ अच्छा होना, तब जाकर उनको पता चले हाँ भाई यूट्यूब पर देख कर। जैसा अभी इस भाई ने पूछा मेरे को वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कि वीडियो क्यों बनाता, मैंने बोला मैं यूट्यूब पर डालता हूँ इसलिए। उनको यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत भलाई का काम कर रहे हो, उनको बहुत जनता का फायदा होगा। क्लच की वीडियो देखी इन्होंने अभी, को क्लच वायर डालने की जो बोल रहे, उनको यार इतना आसान हो गए। मैंने कहा बिल्कुल, ये खुद कन्फ्यूज हो गए यार हाथ से डलता है, मेरे को आज जिंदगी में पता चला। तो चलो दोस्तों, अगर आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो दोस्तों, लोगों को पहुंचाओ, बहुत तेज़ी से पहुंचाओ ताकि सबको पता लग जाए इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो मेरे यहाँ पर सीखने को मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों का फायदा होता रहेगा। थैंक यू सो मच।